हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताइए, PGCIL में डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आई हुई है। ऑलरेडी अपन ने काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा की है और पिछले वीडियो में किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, अलग अलग जोन के बारे में 2023 के रिकॉर्ड के हिसाब से हर कैटेगरी के लिए अपन ने एनालिसिस किए है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा, अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो उस वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको PGCIL के अंदर रीजन चूज करने में। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर अपन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले, जो देखो 2024 की भर्ती है, तो इसकी तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि PGCIL में कितना क्या कंपटीशन रहता है। तो पिछली कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में इस बार आपको लगभग क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। भी 170 नंबर का आपका पेपर रहता है, कहीं पर भी आप कुछ भी नहीं देखते और ब्लाइंडली अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नए हो सकता है उनके दिमाग में ऐसे हो भी 170 नंबर है तो अपने को 150 तो लेके आने ही पड़ेंगे, या फिर कई ऐसे भी हो सकते हैं भी 170 नंबर का पेपर है तो हो सकता है अपना 100 में भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एग्जैक्टली पिछली बार क्या हुआ था, इस बार आपको क्या टारगेट लेकर के प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले। ठीक है, चलिए अपन आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और वैसे देखिएगा, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं है ना, जरूर ऐड हो जाइएगा। आपको वहां पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह या फिर भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट आती है या फिर कोई नई भर्ती होती है या फिर एप पेपर जब फ्री टेस्ट देते हैं तो उन सब की आपको अपडेट वहां पे मिलती रहेगी, है ना। वीडियो को डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑलरेडी बहुत सारे भाई बहन उनको ज्वाइन कर चुके। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने देखा अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, बहुत सारे लोग अपने अपने कोर्सेज सेल करने के चक्कर में 2022 के अंदर एक वैकेंसी आई थी जिसका रिजल्ट 2023 के अंदर डिक्लेयर किया गया था, उसकी कट ऑफ दिखा रहे, क्योंकि उसकी कट ऑफ पेपर टफ था और कट ऑफ बहुत कम गई थी, 58, 60, 62, 64 पर ही सिलेक्शन हो गया था। लेकिन एक्चुअली 2023 के अंदर फिर से ये वैकेंसी है जिसका रिजल्ट अपना जो मार्च 2024 है इसके अंदर डिक्लेयर किया गया। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो कट ऑफ ज़्यादा गई हो कम गई हो लेकिन बच्चों को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को समझ करके बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है ना। तो ये अपना मार्च 2024 के अंदर इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। टोटल मिलाकर के पिछली बार जो वैकेंसी थी, हर मतलब क्या कि टोटल जोन की 425 वैकेंसी थी, और यहाँ पे जो आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले ये आपके परसेंटेज मार्क्स है और ये आपके रहने वाले 170 नंबर में से, टोटल 170 नंबर का पेपर था। यानी कि ऑल ओवर अगर अपन बात करें, मान लीजिए कि कहीं पर 75% लिखा, तो इसका मतलब ये है कि लगभग वहाँ पे जो 170 नंबर में से 127 नंबर लेके उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो ये चीज़ है, और ये जो मेरिट दिखाए गए आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, यानी कि लगभग इस कट ऑफ वाले बच्चे उन्होंने नौकरी को ज्वाइन किया। ये चीजें हैं, आज ये अपन एक-एक चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये चीज मैंने पहले ऑलरेडी देखी थी, उसके बाद में अपन ने जोन वाला वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया भी था कहां पे कंपटीशन कम रहता है कहां पे ज्यादा रहता है, तो उस वीडियो को चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, देखिएगा NR फर्स्ट रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो UR कैटेगरी के लिए टोटल 27 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लगभग 77 कट ऑफ गई थी, यानी कि 130 प्लस कट ऑफ गई थी। OBC के 35 बच्चे 77 के आसपास में कट ऑफ रही थी, 80 की 71 रही, ST की 68 के आसपास में, EWS की 73 के आसपास में और एक्स सर्विसमैन की 52 के आसपास में। ठीक है, ये चीजें हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए बड़ा यहाँ पे फायदा होता है, है ना, क्योंकि आर्मी से वो कोर्स करके आते हैं और पॉलिटेक्निक वाले लोग हैं एक सर्विसमैन के रूप में बहुत कम मिलते हैं, तो उनकी कट ऑफ कम जाती है। इसी हिसाब से सिविल के आप देखोगे नॉर्थन रीजन फर्स्ट के अंदर आप देख लीजिएगा UR कैटेगरी की 74, यानी कि आप देखोगे इलेक्ट्रिकल की तुलना में 2-2, 3-3 नंबर सिविल की कट ऑफ कम गई है, हर रीजन के अंदर हर जोन के अंदर कम गई है, ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखो NR सेकेंड आपका जो रीजन है, इसके अंदर आप देखोगे अपना इलेक्ट्रिकल के लिए लगभग जो पहले वाला था ना, NR फर्स्ट की बात करें, सेकेंड की बात करें या फिर थर्ड की बात करें, 75 के आसपास में है ना, 77, 78, 76 इस हिसाब से कट ऑफ गई। ये आप NR थर्ड देख लीजिए, यहाँ पे आप देखोगे UR कैटेगरी की 78 कट ऑफ गई थी, तो इन तीनों की कट ऑफ थी वो थोड़ी थोड़ी हाई गई थी, है ना। वैसे देखो पिछली भर्ती में कट ऑफ है ना वो कम नहीं गई थी, ठीक ठाक गई थी, ज़्यादा ही गई थी, लेकिन एक्चुअली इसका जो रीजन था ना, पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। आप बोलोगे कि सर आप तो बोलते हो कि इसके अंदर कंपटीशन कम रहता है, बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं, फिर ये कट ऑफ इतनी कम क्यों गई, इसके रीजन है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पिछली बार जो आपका पेपर आया था ना, 120 नंबर के जो टेक्निकल थे वो बहुत ज़्यादा ईजी था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मीडियम रेंज के जो बच्चे थे वो भी सेलेक्ट हुए इस कट ऑफ में, तो आप अनुमान लगा सकते हो
ये 120 नंबर थे, इसका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, आईटी से थोड़ा सा हाई लेवल में मानता हूँ। उसके बाद में जो आपका 50 नंबर का आपका नॉन टेक रहता है, उसके अंदर तो हर भर्ती के अंदर सेट है, मतलब क्या है कि इंग्लिश रीजनिंग मैथ और जीके इनके पर्सन आते हैं। तो इंग्लिश मैथ और रीजनिंग इनके मतलब क्या है कि किस टॉपिक से कितने पर्सन आने हैं और कौन कौन से टॉपिक से पर्सन आने हैं, वो सब चीज़ें पहले से डिक्लेयर रहती है, ये नहीं बताते, लेकिन पीछे के पेपर अपन देखते हैं तो अपने को पता चल जाता है। मैंने भी 23 भर्ती जो हुई 2023 सारी भर्ती, उसमें मैथ के बारे में रीजनिंग के बारे में डिटेल में बताते हैं, इस टॉपिक से पर्सन पूछे जाते हैं, इसमें से वेटेज इतना इतना वेटेज रहता है, तो वो चीज़ें फिक्स रहती है, इसलिए यहाँ पे बच्चे स्कोर कर जाते हैं, है ना। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे ना तो ईजी रहेगा यहाँ पे सिलेक्शन करना। ये चीज़ें आपने देख ली। ER सेकेंड रीजन है, इसमें भी आप देखोगे 78 के आसपास में कट ऑफ गई UR की। NER जो रीजन है इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, मैंने आपको जोन चूज करने वाला वीडियो बनाया था उस टाइम भी बोला था इसमें कट ऑफ कम रहती है। इलेक्ट्रिकल में 70% में बच्चे सेलेक्ट हुए, OBC में दिव्यांग बच्चे से ये सीट भरी गई, 80 की 65 थी और EWS की 67 थी। उसके बाद में आपका एक सर्विस मैन है यहाँ पे मिला नहीं या वैकेंसी नहीं, कुछ इस प्रकार से था। इसी हिसाब से सिविल के तो यहाँ पे 66 के आसपास में कट ऑफ गई थी, इस रीजन के अंदर कट ऑफ कम जाती है। उसके बाद देखिए SR1 है, यानी कि साउथर्न रीजन है फर्स्ट वाला, उसके अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल के 76-75 यानी कि नॉर्मल कट ऑफ गई थी, इस हिसाब से गई थी। सिविल की यहाँ पे कट ऑफ जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी कम रहती है। वेस्टर्न रीजन फर्स्ट है, इसके अंदर भी 75 के आसपास में कट ऑफ गई। वेस्टर्न रीजन सेकेंड है, इसके अंदर 73-72-66 इस हिसाब से कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार इसके अंदर कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने के चांसेज है, क्योंकि इस बार वैकेंसी इसके अंदर सबसे ज़्यादा 104 के आसपास में वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। और बाकी अगर अपन देखें ओडिशा प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी 74 के आसपास में थी। CC रीजन है, इसके अंदर भी 75 के यानी कि लगभग 75 के आसपास में आपको कट ऑफ देखने को पिछली बार मिली थी। अब बात यह आती है कि सर हमारे को इसके लिए तैयारी किस हिसाब से करनी है, इस बार क्या आपको टारगेट लेके चलना है, है ना। देखिए 120 नंबर का टेक्निकल है, इसमें आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका 100 प्लस स्कोर रहे। इसमें अगर आप 100 से लूज करते हो, स्कोर आपका कम आता है, तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है। 100 नंबर आप टारगेट लेके चलिए 120 में से, पिछला जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग अब भी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो तो 100 नंबर लेके आ सकते हो। बेस्ट बुक के बारे में ऑलरेडी 2023 वाली भर्ती के अंदर मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, प्यार दिया उस वीडियो को, तो बुक्स वगैरह मैंने प्रॉपर बता रखी है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम में तो वैसे बुक नहीं आती, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पिछली बार ही मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, है ना, और इस बार भी अपन नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे अपनी सिविल की बात हो और चाहे अपनी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात हो, पूरे के पूरा आपके लिए हैंड रिटन नोट्स रहने वाले हैं ना, थ्योरी न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब चीज़ें आपको इनके अंदर देखने को मिलेगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको कंटेंट की जरूरत है, कंटेंट की प्रॉब्लम रहती है, बुक्स नहीं आती, तो हमारे मोबाइल ऐप से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ये JEE लेवल के नोट्स है, RRB के अंदर भी आपके सेकेंड CBT में काम देंगे, क्योंकि ये जो डिप्लोमा ट्रेनिंग वाली वैकेंसी है एक तरीके से JEE लेवल की है, उसी की लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तो अपन ने ऑलरेडी कोर्स भी दे रखा है, लगभग 100 घंटे की क्लासेस मैंने दे रखी है और 25-30 घंटे की क्लासेस उसके अंदर और मैं ऐड करूंगा दीपावली के जस्ट बाद में, ठीक है। आपको ऐप पे वो कोर्स मिल जाएगा, काफ़ी डिस्काउंट के साथ में दिया है, ऑलरेडी मैंने लोवेस्ट प्राइस रखी है YouTube पे, जो भी टीचर देते हैं उनसे कम प्राइस, और इसमें भी मैंने दीपावली पे भी डिस्काउंट ऑफर दे रखा 30% का, PGCIL DT कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए लिख करके कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 30% और डिस्काउंट हो जाएगा, लगभग आपको 700 रुपये के अंदर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को पूरा का पूरा वीडियो कोर्स मिल जाएगा, और वहाँ पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ डिजिटल बोर्ड पे उसकी PDF भी आपको फ्री मिल जाएगी, पूरा का पूरा टेक्निकल कंटेंट। इससे वहाँ पे अपना टारगेट ये है कि अपना 120 नंबर है, इसमें से 110 प्लस अपन स्कोर कर सके, इस हिसाब से अपन पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए इस बार टारगेट के बारे में अगर अपन बात करें ना, तो मेरा ये मानना है कि 115 नंबर यानी कि जो SC ST के बच्चे हैं वहाँ से लेके अगर अपन चले और उसके बाद UR कैटेगरी के लिए लेके चले तो 130 नंबर या फिर 135 नंबर के आसपास में, है ना, आप मान सकते हो, प्लस माइनस के 5 नंबर और मान लीजिएगा यहाँ दोनों साइड के अंदर, ठीक है। यानी कि 115 से 135 या फिर 110 से 130, है ना, इस प्रकार का आपको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पिछली बार हकीकत अलग थी, इस बार हकीकत अलग है। हकीकत अलग इसलिए है, पिछली बार के आसपास में आपको टारगेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो वैकेंसी डबल हो गई, दूसरी इस बार RRB की ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भर्ती आ रखी है, तो इस प्रकार का कोई भी बच्चा जिसने डिप्लोमा कर रखा है तो RRB JEE में जरूर अप्लाई किया है, और उसके एग्जाम आपके अभी दिसंबर में होने वाले, सब बच्चे उसकी तैयारी में लगे हुए, इनकी टेंटेटिव डिप्लोमा ट्रेनिंग की PGCIL की जनवरी और फरवरी दे रखा है, तो मतलब क्या है कि 12 दिसंबर के आसपास तक रेलवे वाली
तैयारी बच्चे करेंगे जो कि आपकी प्योरली नॉन टेक्निकल है, ठीक है। तो उसके बाद में तैयारी करने के लिए बच्चों को टाइम बहुत कम मिलेगा, लगभग एक महीने के आसपास में टाइम रहेगा। और उसके बाद में अपन देखो अलग अलग स्टेट के अंदर भी भर्ती आती है, जैसे राजस्थान के अंदर RSS BJEE की भर्ती आने वाली है, तो इस बार भर्तियाँ ज़्यादा हैं टेक्निकल की, इसलिए बच्चे डाइवर्ट भी होंगे और इस भर्ती की प्रिपरेशन मतलब क्या कि डेडिकेटेड रूप से तैयारी करने वाले, अभी से तैयारी करने वाले बच्चे कम होंगे, क्योंकि रेलवे एक बड़ा टारगेट है लगभग बच्चों का, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। डिप्लोमा कर रखा है, मैं तो ये बोलता हूँ कि रेलवे से भी ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इसको देनी चाहिए। हालांकि आपने पहले रेलवे की तैयारी स्टार्ट कर दी है, कुछ दिन हो गए हैं, तो आप उसके अंदर फोकस करके पढ़ाई करिए, उसके बाद में आपको जितना भी टाइम मिलता है उसको दीजिएगा, है ना। बाकी तैयारी नहीं स्टार्ट कर रखी है तो डिप्लोमा वाले बच्चे इस भर्ती को मेन प्रायोरिटी पे रख करके इसकी तैयारी करना, चाहे अपन टेस्ट सीरीज की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, चाहे वीडियो क्लासेज की बात करें, सारी चीज़ें आपको मैंने ऐप पे प्रोवाइड करवा रखी है। खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान में रख करके वहाँ पर कंटेंट दिया है, बिल्कुल कम प्राइस में, इस हिसाब की प्राइस मैंने रखी है कि हर एक गांव गरीब ढाणी का बच्चा है वो कोर्स लेकर के अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके, है ना। 500-700 रुपये अगर आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और वीडियो क्लासेज मिल रहे हैं, तो इतना तो देखो पढ़ाई इस प्रकार की चीज़ है जो सबसे अच्छा रिटर्न देती है, तो इतना भी आपको मतलब क्या कि इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।